वही छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस हिरासत में एक शातिर बदमाश की मौत का मामला सामने आया है। बता दें, हत्या के प्रयास, बलवा और लूट जैसे गंभीर अपराध के मामलों में फरार चल रहे शातिर बदमाश को शुक्रवार देर रात दर्री पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस उसे सिविल लाइन थाना पुलिस के सुपुर्द करने के लिए पुलिस ले जा रही थी। रास्ते में उसके सीने में दर्द उठा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। यहां से उसको तुरंत ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां परीक्षण के बाद उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना पर SP सिद्धार्थ तिवारी ने दर्री थाना के 3 पुलिस निलंबित कर दिया है। वही पीड़ित के परिजनों ने पुलिस कस्टडी में मौत को संदिग्ध बताते उचित जांच की मांग की है। देखिए, दिनांक 19 और 20 की दरमियानी रात को लगभग 1:40 पर सूरज हटके, जिसके ऊपर पूर्व में लगभग 14 अपराध दर्ज हैं, हाल में सिविल लाइन के थाने में धारा 307, 147, 148, 149 तथा 2527 आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है, तथा इस व्यक्ति के द्वारा 18 तारीख को थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूटी की भी लूट की घटना कारित की गई, जिसमें 19 तारीख को एक FIR दर्ज की गई है। इसको रात सुबह लगभग 1:40 पर NTPC रेलवे क्रॉसिंग ओल्ड साइलो के पास थानाधरी के स्टाफ के द्वारा पकड़ा गया। उसके बाद इनको, क्योंकि ये नामजद आरोपी था 307 का, 147, 148, 149 एंड ये निगरानी बदमाश है CACP पुलिस सहायता केंद्र का, और वर्ष 2022 में सूरज हटकेल के खिलाफ जिला बदर का प्रकरण भी माननीय दंडाधिकारी को प्रेषित किया गया था। इसलिए वहाँ से लगभग सुबह 5 बजे इनको सिविल लाइन के स्टाफ को ट्रांसफ़र किया गया। मेरा भाई सूरज हटथेल का मर्डर किया गया है पुलिस वालों के उसमें से किया गया। पुलिस वालों का उससे पर्सनल दुश्मनी था, उसका ईगो हर्ट हो रहा था, कोई दिक्कत ही आई है, उसका नाम नहीं पता है मेरे को। वो ज़्यादा दबाव डाल रहा था, मेरा काम वाम भी बंद करवा दिया था। वो 2 तारीख से मेरा काम बंद है, वहाँ बंद करवा दिया था काम। मैं यही मांग बोल के वो काम बंद करवाए कि तेरे भाई को चौपाटी गढ़ कलेवा में लड़ाई हुआ था किसी दूसरे का, तो वो भी था वहाँ पे, तो उसका नाम